Unites.com, redefining Bollywood. मतलब हमारी जो भोजपुरी दबंग है ये हमारी टीम भोजपुरी इंडस्ट्री की है और वहाँ पे इंडस्ट्री वाइज ये टीम है तो जीतने का जज्बा तो होना चाहिए, तो इसलिए जीतने की बात है। देखो जी, सबसे बड़ी बात है ना कि इस सीसीएल के कारण हमारे पूरे देश का सिनेमा एक करीब आ गया एक दूसरे के, और जो इंटरेक्शन बना है ये हम लोग ज़रूर जीतने के लिए लड़ेंगे, बहुत एक दूसरे को आँखें भी दिखाएँगे। बट सच्चाई तो ये है कि जिस टाइम पिछले साल रांची में भले हमको वीर मराठी ने हराया, लेकिन झारखंड बिहार से जो भी लोग आए थे, फूल लेके आए थे वीर मराठी के स्वागत में, वो मंजर हम नहीं भूल सकते, और हम समझते हैं वैसा ही होगा जो हम डीवाई पाटिल में खेले। मोहित खम्बोज और भाभी हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, हमारे पारिवारिक संबंध हैं, तो उनको सपोर्ट करने हैं, मनोज जी को सपोर्ट करने हैं। हालांकि हमारी कंपनी स्पॉन्सर वीर मराठी को ज़रूर कर रही है, लेकिन ये एक संबंध है, स्पॉन्सरशिप से हट के, कमर्शल से हट के एक पर्सनल रिलेशन है, जिसके वजह से आज मैं इनके साथ खड़ा हूँ। और आई विश देम ऑल द बेस्ट। शुरुआत इसकी पहले मैच की जीत के साथ होनी चाहिए, जो डीवाई पाटिल स्टेडियम में मैच है, इसके हम ऑल द बेस्ट टीम को बोलते हैं। और आने वाले सीज़न में पूरे चारों मैच में टीम जीते, सेमीफाइनल में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे, सबने प्रैक्टिस बहुत की है लास्ट दो ढाई महीने से। मनोज जी की पूरी टीम, सब प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं और अच्छी प्रैक्टिस इन्होंने की। आई थिंक सबकी अपनी अपनी कमिटमेंट्स हैं, कहीं अन्ना शाह दिल्ली में हैं कुछ काम से, तो बाकी जितने भी हैं सबकी कोई ना कोई कमिटमेंट्स है, इसलिए वो लोग आज शायद नहीं आ सके, अदरवाइज टीम में तो 100% साथ में रहेंगे सर। आई होप, मेरा पहला सीज़न है और पहले सीज़न में मैंने ज्वाइन किया है मुंबई हीरोज़ को, और होपफुली अच्छा खेलेंगे और एटलीस्ट कुछ नहीं तो सेमीफाइनल्स और फाइनल तक तो पहुँचे, ये इस वक्त तो यही टारगेट है हमारा जी। आई एम श्योर बिग बॉस डिड हेल्प मी, आई एम श्योर बिग बॉस हैज हेल्प मी इन मेकिंग मी अ डिफरेंट पर्सन फॉर श्योर, बट आई थिंक क्रेडिबिलिटी हमारी खुद की है, वी वर्क वेरी हार्ड फॉर इट, और उम्मीद करते हैं कि मुंबई हीरोज़ को भी आगे। Thank you for watching. Click on the subscribe button and stay tuned.